दोस्तों सीयू सिटी 2022 में एक पेच फंसा है। ये पेच कौन सा फंसा है इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से बुक से तैयारी करना चाहिए और इसके साथ साथ ये भी कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी बिल्कुल कमर कस के रेडी है सीयू सिटी करवाने के लिए। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें आपको क्लियर करूंगा, एक पेच फंसने वाला और दूसरा बुक कौन सा लेना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, तीसरा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अभी रेडी है। तो वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो तो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए सीयू सिटी में कौन रेडी है ये बता देता हूं, उसके बाद लास्ट में बताऊंगा पेज कौन सा फंसा है। कौन कौन से रेडी है? जेएनयू बिल्कुल रेडी है सीयू सिटी के लिए, डीयू रेडी है, बीएचयू मोर और लेस रेडी ही है। कौन कौन रेडी नहीं है? एएमयू रेडी नहीं है, जामिया रेडी नहीं है। ये दो यूनिवर्सिटी कह रही कि हम लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, हम लोग सीयू सिटी के पार्ट नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेगा तो हम पार्ट होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का इंतजार करेगी एएमयू भी और जामिया भी। तो एएमयू जामिया अभी सीयू सिटी के लिए रेडी नहीं है, लेकिन बीएचयू जेएनयू डीयू बिल्कुल कमर कस के तैयार है कि सीयू सिटी करवाएंगे। अब सीयू सिटी होगा तो आप तैयारी क्या करेंगे? अब सीयू सिटी जब एग्जामिनेशन होगा तो आपको तैयारी क्या करना पड़ेगा ये जान लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, पहले एक पेज क्या फंसा है ये देख लीजिए, फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, बुक का लिंक है, इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपको सीयू सिटी के लिए काम आएगी, उस लिंक पे जाके अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं और सारे बच्चों से आप एक स्टेप आगे निकल सकते हैं। अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो आप एक स्टेप और सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में स्टूडेंट को से आपको जीतना है। क्योंकि आप एक स्टेप आगे निकल जाएंगे तो आपको तैयारी थोड़ा सा पहले से हो जाएगी, तो बाद में सिर्फ आपको रिविजन ही करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का लिंक है सीयू सिटी का, और आप एक टाइम टेबल बना लीजिएगा और एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, इंग्लिश का जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा तैयारी का, कौन कौन तैयारी कर लिया है, बीएचयू जेएनयू डीयू इसमें पक्का है, एएमयू जामिया का अभी श्योरिटी नहीं है। तो एएमयू जामिया का श्योरिटी हो जाएगा तो इसका भी आपको वही बुक पढ़ना पड़ेगा जो बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अमेजोन पे आप जाके परचेज कर सकते हैं। अब सीयू सिटी में क्या पेज फंसा है आपको यूं नहीं दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि प्रूफ बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहेंगे सर आप यूं ही दिखा देते हैं, प्रूफ कहां है? तो ये रहा प्रूफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया का शिंजिनी घोष ने इसको लिखा है कि सीयू सिटी में पेज फंसा हुआ है। ये पेज है कि यूनिवर्सिटी इंतजार कर रही है क्लैरिटी। कौन सा क्लैरिटी चाहिए दोस्तों? सीट्स पे, कि सीट का बंटवारा कैसे होगा, काउंसिलिंग क्या सेंट्रलाइज होगी या जैसे पहले होती आ रही थी वैसे ही होगी। अब क्या है, यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि सीयू सिटी जो होगा इसमें बहुत सारे कोर्सेज होंगे, और जैसे अभी सेंट्रलाइज काउंसिलिंग नीट का होता है, बीडीएस का होता है, बीटेक के लिए होता है, तो ये कुछ चुनिंदा कोर्स है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन में बहुत भतेरे से कोर्सेज है, बहुत ज्यादा कोर्सेज है, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे कोर्सेज है। तो इसमें काउंसिलिंग ऐसा होगा कि जैसे यूनिवर्सिटी पहले करा रही थी वैसे ही काउंसिलिंग हो, लेकिन अभी क्लियर तब आएगा जब ऑफिशियल नोटिस आएगी। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, ये उम्मीद की जा रही है। तो अभी एक पेज फंसा है, पेज यही फंसा है कि काउंसिलिंग कैसे होगा। पेज क्या फंसा है समझ गए ना, काउंसिलिंग कैसे होगा, क्या पहले जामिया, अलीगढ़, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, अंबेडकर यूनिवर्सिटी जैसे काउंसिलिंग करते थे क्या वैसे ही होगा, कि क्या एनटीए या कोई अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काउंसिलिंग करेगा। ये अभी पेज फंसा है। तो पेज जैसे क्लियर होगा एक वीक में, दो वीक में पूरी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि जामिया खुलने वाली है, बीएचयू तो खुली गई है, जेएनयू खुली गई है, डीयू खुली गई है, और धीरे धीरे एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी खुल जाएगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुल गया है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी खुलने वाला है। तो सब खुल रहा है 100% स्टाफ के साथ, स्टूडेंट भी आएंगे 100%, तो चीजें और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फॉर्म भी निकलेगा तुरंत और आपके एडमिशन भी होगी जल्दी ही इस साल, क्योंकि कोरोना लगभग इस साल खत्म हो गया है और आने वाले समय में वैसे ही होगा जैसे दो साल पहले होता, मौज मस्ती करेंगे, फिल्म देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, खेल होगा, फिर से दुनिया वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले दो साल पहले थी कोरोना से पहले। तो उम्मीद करते हैं कोरोना खत्म हो जाए, भगवान करे, अल्लाह करे कोरोना खत्म हो जाए, हम लोग फिर से अच्छे से पढ़ाई करें, इंजॉय करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सीयू सिटी का बुक्स है वो जरूर ले लीजिएगा, यही पेज फंसा हुआ है, पेज निकल जाने दीजिए, इसका भी वीडियो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और आप भी कमर कस लीजिए, जैसे जेएनयू डीयू और बीएचयू ने कमर कस लिया है कि सीयू सिटी होगा, उस तरह आप भी कमर कस लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, बुक कर लीजिए, तैयारी कीजिए और लड़कों से आप आगे निकल जाइएगा। तो मेरे चैनल पर रहने के कुछ तो आपको फायदा होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप आगे निकल जाए, आप सक्सेस हो जाए, आपकी करियर हिट हो जाए, आपकी फैमिली हिट हो जाए। तो हिट के लिए ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, पूर्ण और नेकी का काम कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।